गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों का मेंसुरेशन लास्ट हो चुका था, 11 क्लास उसमें पढ़ा था। उसके बाद आपको सीक्वेंस में, चूंकि यहाँ जो जोड़ा गया है इस बैच में मेंसुरेशन है, उसके बाद में एडवांस मैथ्स है। मेंसुरेशन को भी हम लोग समवाट मैंने इजी करने के लिए एडवांस मैथ्स का ही एक पार्ट बता दिए, तो इसीलिए एडवांस मैथ्स में ही इसको जोड़ लीजिए। पहला लेसन मेंसुरेशन, जिसका हम लोग 11 क्लास कर चुके हैं। उसके बाद सेकेंड में हम ज्योमेट्री को लाए हैं, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अलजेब्रा ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, उसका वीडियो आप देख लेंगे। अलजेब्रा का भी 4 क्लास 5 क्लास दिया हुआ है सर। और इसके बाद में फिर ट्रिगो आ जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगो, मेंसुरेशन, अलजेब्रा ऑलरेडी डन है, तो इससे हमारा एडवांस का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। अब ज्योमेट्री जो पढ़ेंगे उसके लिए आपको क्या क्या नीडफुल है, मीनिंग है हम क्या करें जिससे कि हमारा कम पढ़ाई से भी 100% क्वेश्चंस बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एडवाइस दिया जा रहा है और उसी एडवाइस के अनुसार आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से ज्योमेट्री इजी होगा। आज आपको एक पीडीएफ भेजा जाएगा, अभी तो नहीं दिया गया सर, तो पीडीएफ एक आपको भेजा जाएगा। उस पीडीएफ में वो आप टेलीग्राम चैनल पर जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं हमारे झा क्लासेस वाले पर, तो इसीलिए उससे उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसी पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो उसमें 4 पेज में आपको इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री का, मीनिंग है उसमें हम लोगों को कौन कौन सा रूल्स लगता है, वो सारा 4 पेज में आपको दिया हुआ है। ऑलमोस्ट वही रूल्स लगता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा कि उसके अलावा कोई रूल होता नहीं है या कोई रूल और किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा। एक दो कुछ और भी नया आ सकता है, तो वो जब आता है तो क्वेश्चन में जहाँ रेज होता है वहाँ हम लोग उसको डील कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपको जो है रूल्स जो कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा, छोटे छोटे बातों को भी और बड़े बड़े बातों को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। तो 4 पेज में इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री का, जिसमें पूरा थ्योरम्स जो भी यूज़फुल है, उसके बाद में और भी जो रूल्स लगता है, डिराइव्ड रूल्स होता है, वो सभी दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 88 परहैप्स उसमें है, आप देख लेंगे, ठीक है, जब दिया जाएगा पीडीएफ। 88 क्वेश्चंस उसमें दिया हुआ है, तो अब 88 क्वेश्चंस हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन समय के अंतर्गत 88 क्वेश्चंस को थोड़ा और हम बढ़ाना चाहेंगे। इसलिए आपके सिलेबस में कहीं भी कटौती करने का हमारा प्रयास नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा देने का प्रयास होता है। इसलिए हम उस 88 क्वेश्चंस को पढ़ाने के बाद और भी उसमें 2 क्लास एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो उससे अपर लेवल का फिर क्वेश्चन और आ जाएगा, जो आपको एसएससी मेंस में यूज होगा, ठीक है। इसलिए 2 क्लास आप याद कर लीजिए कि हमारा जब भी ये पूरा फिनिश होगा उसके बाद में 2 क्लास, जरूरत पड़े तो 3 क्लास, है ना, ये हम और उसमें ऐड कर देंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो जो ऐड होगा वो दिमाग में बैठा लीजिए कि वो नॉर्मली सिर्फ एसएससी मेंस में आपको काम आएगा, और बाकी एसएससी पीटी लेवल तक, उसके बाद में आपको रेलवे, जहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीडीएस, इन सारे में इतना से ही काम आपका हो जाएगा। तो पहले सिलेबस को बायफर्केट करिए, सिलेबस को समझिए, हम आपसे क्या बात बोलना चाह रहे हैं वो समझ जाएंगे तो आपके लिए पढ़ना ईजी होगा। तो क्या बोले, इस ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है 4 पेज का, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद में ये तो 4 पेज हो गया, उसके बाद में आपको यहां पर प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस, ये तो अभी 88 क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, लेकिन इन एडिशन ऑफ हम क्या करेंगे, यहां पर आपको 2/3 क्लासेस, है ना, और ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है, और जितना भी बात हम आपसे बोलेंगे वो बिल्कुल 100% सही होगा और उसको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जहाँ पर हमारा खुद का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि नहीं इसमें और कुछ क्लास बढ़ना चाहिए, तो ये जो बढ़ेगा ये प्योरली एसएससी मेंस लेवल का आपका हो जाएगा, ऐसा। इसलिए 2 या 3 क्लास और आपको बढ़ाया जाएगा जो एसएससी मेंस के लिए होगा। तो चलिए, खैर, ये हमारा क्लासेस कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम ज़्यादा हमारा 100% क्वेश्चन बनना चाहिए, ये मोटिव होता है, और उसी के लिए आपको अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया किसके लिए, तो खासकर एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी 2010 के पहले एक भी क्वेश्चन नॉर्मली ज्योमेट्री वगैरह से नहीं पूछता था। आप सभी छात्र जो भी अभी वॉच कर रहे हैं, निश्चित रूप से 9th क्लास में ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, उसी को एक बार रिवाइज कर लेना है,
नाइन्थ में पढ़े, कुछ साल गैप हो गया, आप भूल गए, कुछ छात्रों का नाइन्थ में पढ़े तो भी समझ में बहुत नहीं आया तो इसलिए उनको प्रॉब्लम और ज़्यादा रह गया। लेकिन जो भूले भटके छात्र हैं और इवन जिनको समझ में नहीं भी आया था नाइन्थ क्लास में, हम 100% स्योरिटी के साथ आपसे बात कर रहे हैं कि जब ये पढ़ा दिया जाएगा हमारे द्वारा तो आपको बिल्कुल समझ में आना ही है, ये गारंटीड है और आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। हम आपसे कितना बनेगा उसके बारे में प्रयास तो कर रहे हैं कि आपसे 100% क्वेश्चंस बने, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं कि आप में से ऑन एन एवरेज, हम सारे छात्र का एक साथ बात करते हैं एवरेज में, तो 80-90% क्वेश्चंस आपसे हम बनवा लेंगे। 80-90% ये इनफ होता है कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो हमारे इस रिपोर्ट से 80-90% क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री में बनेगा। तो क्या होगा ज्योमेट्री में, 4-5 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो बोले 4-5 क्वेश्चन देगा तो इसमें हम जो है 3 या 4 क्वेश्चन बना लेंगे, किसी से 3 बना किसी से 4 बना, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो 4-5 देगा तो 3 या 4 हमसे बन जाएगा, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो 5 बना लेंगे, 4 या 5 देगा, 4 देगा तो 4 बनेगा, 5 देगा तो 5 बनेगा, वो 100% ऐसे भी छात्र हैं, लेकिन हम एवरेज में बात किए कि आप 80-90% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये हो गया एश्योरेंस। नहीं बोले एश्योरेंस कारगर कब होता है, जब हमारा और आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, मीनिंग है म्यूचुअली हम दोनों पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, हम आपको समझाएंगे पढ़ाएंगे और आप उसको अमल करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीज़ होगा। और ये बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तो आप करना क्या पड़ेगा उसमें, उसको देखिए। सभी छात्र को ये बोला जा रहा है कि सबसे पहला पॉइंट, इसमें कुछ थियोरम्स होता है और थियोरम्स का अर्थ होता है, हिंदी में तो शब्द में प्रमेय बोला जाता है, लेकिन इसको लाइट वे में आप ऐसे लीजिए कि ये ऑलरेडी थियोरम्स जो भी होता है ना, ये ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, जिसको प्रूव्ड बोलिए अप्रूव्ड बोलिए, है ना, ये साबित किया हुआ होता है। आपको याद होगा कि कुछ थ्योरम्स दिया हुआ था नाइन्थ क्लास में, 14 नंबर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, तो इस तरह का कुछ थ्योरम्स आपको दिया हुआ था, तो वो सारे थ्योरम्स को आपको याद रखना पड़ेगा। अब मन में आपको आ रहा होगा कि ये थ्योरम्स हम कहाँ से सर्च करेंगे, कौन सा थ्योरम याद करना पड़ेगा, तो वो आपका टेंशन नहीं, वो मेरा टेंशन है, उसी के लिए हम 4 पेज का इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं जिसमें ये सारा थ्योरम्स जो है जो यूजफुल है दिया हुआ है, आप उसको याद करेंगे। इसलिए कोई ज्योमेट्री का बुक आपको नहीं पलटना है, ठीक है। हम जो 4 पेज का असाइनमेंट दे दिए हैं उसी के थ्योरम्स को पढ़ेंगे। तो चलिए, कुछ थ्योरम्स होता है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है, प्रूव्ड होता है, साबित किया हुआ होता है, मीनिंग है वो 100% सही है, ऐसा आपको जो है साबित करके दर्शा दिया गया है। और कुछ इसी से जो है ना डिराइव्ड कंसेप्ट होता है, ये तो कुछ थ्योरम्स हो गया और कुछ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे टर्म्स के तौर पर, है ना, कि इस टर्म्स में ये रूल लगेगा ऐसा, तो ये डिराइव्ड कॉन्सेप्ट्स होता है किसमें, तो टर्म्स, ऐसे कुछ टर्म्स होता है, जैसे पढ़ते हैं ना सम्मुख कोण, संगत भुजाएं, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन, है ना, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, सम्मुख कोण, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, तो ये जो पढ़ते हैं ना वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ डिराइव कॉन्सेप्ट होगा उन सारे का। जैसे एक सिंपल बात आपको समझा रहा है ऐसे कि जब हम दो सरल रेखा को क्रॉस कर देते हैं तो इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है, ये टर्म्स हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसमें रूल हो जाता है कि ये एंगल आपको अपोजिट एंगल कहलाता है, ठीक है, अपोजिट एंगल सिरसाभिमुख कोण, तो जब अपोजिट एंगल होगा तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए यहां x है तो यहां भी x होगा, यहां 20 डिग्री है तो यहां 20 डिग्री होगा, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा तो ये आपका y तो ये भी y होगा। इसीलिए इसी तरह के बात को हम यहां दूसरा पॉइंट में लाना चाह रहे हैं, डिराइव्ड कॉन्सेप्ट्स कुछ हो जाएगा जो टर्म्स पर आधारित होगा, सिरसाभिमुख कोण समान होगा, है ना, संगत कोण समान होता है, एकांतर कोण समान होता है, तो ये सारी बातें, ठीक है। ये जैसे दो पैरेलल लाइंस लेते हैं तो उसके बीच का एंगल, जैसे ये एक्स है और ये वाई है सपोज, तो ये एक्स और वाई जोड़ करके 180 डिग्री होता है ऐसा, इसीलिए ये एक्स वाई हो गया ऐसे, तो 180 डिग्री होता है ये आपको ऐसे। तो समानांतर रेखा जब भी बनेगा उसके बीच का दो ये जो इंटरनल एंगल्स हो गया वो जोड़ करके आपको 180 डिग्री हो जाता है। तो इसी को जब आप ऐसे देखते हैं, देखिए ऐसे ये सीधा लाइन हम डाल दिए, बोले ये 90 तो ये भी 90, दिखा भी दे ये 90 तो ये भी 90, तो आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 180, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, तो ये दोनों जोड़कर 180। तो इस प्रकार का बहुत सारा रूल्स है
जिन सारे रूल्स को हम प्रैक्टिकली अभी नहीं समझाने जा रहे हैं और कभी भी नहीं समझाने जा रहे हैं, ठीक है, आपको लिख करके दिया हुआ है, जो बार बार पढ़ करके सोचते हुए एक एक पॉइंट पर थोड़ा विचार करते हुए थोड़ा फिगर बनाते हुए आप खुद से समझने का प्रयास करेंगे। हम उन सारे रूल्स को अप्लाई जब करेंगे ना क्वेश्चन में, तो वहां पर उसके बारे में हम आपको वही आइडिया देंगे जो आप अपने से पढ़ करके समझे हैं। तो आपको हम जब समझाएंगे ना, तो वो जहां पर प्रॉब्लम भी लगा होगा तो वो दूर हो जाएगा। ये चैप्टर स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं इसलिए इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस प्रेजेंस ऑफ माइंड का अर्थ यहां पर क्या है कि जब कोई क्वेश्चन देगा ना, तो बहुत सारा जानकारी आपको है इस चैप्टर का, थ्योरम्स में, टर्म्स में, जो भी रूल्स है, उन सारे रूल्स में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, तो सेलेक्ट द एप्लीकेबल रूल्स, थ्योरम्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कौन सा नियम लगेगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको आएगा। मीनिंग है इतने पढ़े हुए बातों में से इस क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट लगना चाहिए, यही मेन चीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो कॉमन है कि नियम याद रखना है। बोले एक ट्राइंगल में तीनों एंगल जोड़कर 180 डिग्री होता है, अगर हम नहीं पढ़े हुए हैं तो ये भी हमारे लिए मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। आपको देखिए, एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और अगर हम नहीं पढ़े हुए हैं, सपोज इस प्रकार से कुछ भी ऐसा हम लिख दिए, तो ये एंगल कितना होगा ऐसे, तो ये भी नहीं बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो क्यों नहीं बना, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये मालूम नहीं था। इसलिए इससे हम ये आपको क्लारीफाई कर दिए कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए नियम कानून जो भी इसका है, जो साबित किया हुआ है, जो डिराइव्ड है, वो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये आपका कंपल्सन हो गया, कंपल्सरी पॉइंट हो गया, टू इसेंशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो याद आप सभी कर लेंगे, आगे फिर हम बढ़ेंगे। तो उन्हीं सारे रूल्स में से ये आपको कौन सा रूल यहां पर लगेगा, ये देखना पड़ेगा। तो जब हम क्वेश्चन पर आएंगे ना, तो जितना बात अभी बोल रहे हैं ये बिल्कुल सटीक बैठेगा और आपको दिखेगा कि हाँ, ये इसीलिए पहले समझा दिया गया था, ठीक है। तो इन सारे चीजों को याद रखना है कि कौन सा रूल इस जगह लगेगा। जैसे देखिए, आपको घर में बहुत सारा सामान होता है, लेकिन एट ए टाइम आपको किस चीज का, जैसे बहुत सारा सामान रखा हुआ है लेकिन एक नेल किसी दीवार में लगाना है, तो आपको रिक्वायरमेंट किसका होगा, हैमर का, हथौड़े का। तो अब उस वक्त में आया ना ऐसे कि इतने सारे सामान में अभी नेल लगाना है, तो यूज किसका होगा, वही यहां से हम सेलेक्ट करते हैं। घर में तो बहुत सारा आइटम्स है, तो हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किए, तो हैमर ले लिए, यूज किए। नहीं बोले आपको घर में अभी चाय बनाना है, तो उस वक्त तो हैमर का यूज नहीं होगा ना, तो सामान बहुत सारा है, लेकिन चाय बनाते वक्त आपके दिमाग में वो स्विच ओवर होता है कि चाय बनाना है तो किस किस चीज का यूज होगा, तो आप चाय पत्ती, चीनी, दूध, जो भी है बर्तन है ना, वो सारा उसका लेंगे। उस वक्त हैमर आप नहीं सर्च करते हैं। इसी चीज को समझा जा रहा है कि ज्योमेट्री को समझने के लिए आपके पास जानकारी बहुत ज्यादा रहेगा, चार पेज का जानकारी हम दिए हुए हैं, इवन उससे भी कुछ रूल्स ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा, और उन सारे रूल्स में से अप्लाई किसको करना है, ये मेन मैटर करेगा। तो चलिए, ये एक इंट्रोडक्शन आपको यहां पर दिया गया है। अब हम आते हैं अपने बिल्कुल उसी कंसर्न टॉपिक पर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया गया, और ये किसके लिए यूजफुल है, तो आप यहां पर सबसे पहले SSC, PT और मेंस दोनों के लिए रखेंगे, ठीक है, PT मेंस दोनों। SSC में आपका इंटर लेवल भी होता है और ग्रेजुएट लेवल भी होता है, तो ये SSC इंटर लेवल के लिए भी यूजफुल है और CGL के लिए भी यूजफुल है। इसीलिए SSC के दोनों एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, और उसमें भी PT के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसके बाद आपको रेलवे में यूजफुल है, और इसके बाद में ये जो लेसन है ना, ये CDS का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, एलिमेंट्री ज्योमेट्री। CDS में बार बार पूछा जाता है, करीब 10-12 क्वेश्चन दे दे, चूंकि वहां 100 क्वेश्चन होता है CDS में, तो उस 100 क्वेश्चन में 10-12-15 क्वेश्चन तक भी ज्योमेट्री का दिख जाता है। इसलिए CDS भी आप में से कोई छात्र अगर देना चाहते हैं, तो उसके लिए 100 क्वेश्चन में आपका 10-12 क्वेश्चन इसी चैप्टर का होगा। इसलिए CDS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आप मानकर रखेंगे, ठीक है। बैंक PO और बैंक क्लर्क का जहां तक सवाल है, तो उसमें नल मीनिंग है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नल मीन्स जीरो, शून्य, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बैंक PO और बैंक क्लर्क में। जब आप CPO देंगे पूछा जाएगा, ठीक है। CPO क्या, SSC का ही एक पार्ट होता है समवट, तो SSC का ही कंप्लीट सिलेबस उसमें है, तो CPO जब भी देंगे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें भी आप इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, अब यहां हम आते हैं
कुछ बातों को लेकर आपके पास इसी प्रकार का जो है ना ये एक असाइनमेंट मिलेगा। इसी असाइनमेंट के बारे में अभी हम आपसे बात कर रहे थे और इस असाइनमेंट में चार पेज में आपको दिया हुआ है इसका डिटेल्स, थ्योरम्स, रूल्स जो भी, और उसके बाद में 88 क्वेश्चंस इसमें आपको फाइनली दिया हुआ, ठीक है। तो इसी को पढ़ना है और कोई ज्योमेट्री का किताब आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो आप खुद पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस का सेट्स बनाएंगे जो किसी भी बुक्स में अवेलेबल है, वैसे बुक को लेकर के आप देखा करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग अभी थोड़ा सीखेंगे, तो जैसे देखिए हम अभी तो ये सारे पॉइंट्स को नहीं बताएंगे क्योंकि ये पॉइंट सारा एक एक डील किया जाए तो करीब 6-7-8 क्लास तो इसी में लग जाएगा, ये आपको पढ़ना है। हम थोड़ा हिंट करते हैं कि इसी तरीके से आप इस बात को समझेंगे। देखिए एक पहला पॉइंट लिखा है संपूरक कोण, ठीक है, और एक लिखा है कोटिपूरक कोण। तो संपूरक को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो ये एक छोटा टर्म हम आपको समझा रहे हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होगा, वो चीज़ देखिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में संपूरक, संपूरक कोण, इसी को पूरक कोण भी बोल दिया जाता है, संपूरक बोले या पूरक एक ही बात होगा ये। और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको अनुपूरक कोण बोलते हैं, अनुपूरक कोण ऐसा। तो ये दो नाम है और देखिए लिखा है पहला पॉइंट में कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण एज ए होल एक दूसरे के लिए संपूरक कोण कहलाता है। और यहां पर पूरक या कोटि पूरक कर दिया है, ऐसे संपूरक और अनुपूरक एक्चुअली लिखिएगा, ठीक है, ऐसे देखिए। तो अब यहां पर क्या समझा जा रहा है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे अनुपूरक कोण कहते हैं, ठीक है, कोटिपूरक अनुपूरक ऐसे लिखा हुआ है। अर्थ क्या निकला कि हम x और y जोड़ते हैं और 180 डिग्री बन जाए तो ऐसे ही दो कोणों को एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, 180 डिग्री। और जब यहां पर a और b को जोड़ेंगे और ये 90 डिग्री बन जाता है तो इसी को हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ये संपूरक कोण है और ये आपको अनुपूरक कोण है, ठीक है। तो संपूरक और अनुपूरक, इस तरीके से आपको ये सभी पॉइंट्स याद करना पड़ेगा। तो जब भी आपको मोमेंट मिलेगा, संपूरक कोण का चर्चा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री है। जैसे बोलेगा क्वेश्चन कि x और y दो संपूरक कोण है जिसमें y का मान 50 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा? तो आप बोले संपूरक है तो आप समझ जाएंगे ना कि एक्स वाई जोड़कर 180 होगा, वाई आपको 50 दिया तो हम 180 में 50 घटा देंगे, एक्स का मान 130 डिग्री निकल जाएगा। तो यही पढ़ने का तरीका होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक कोण बोलेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अनुपूरक कोण बोलेंगे। तो हम लोग हर टर्म्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखा करेंगे। चलिए अब हम आते हैं कुछ रूल्स इसमें और यूजफुल होता है जिसके बारे में बस हम थोड़ा हिंट कर रहे हैं। अभी आपको इससे समझ में भी आए या नहीं आए उसका कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे ना तो उन सारे रूल्स को लिखाते हुए पढ़ाएंगे, वो मैटर करेगा। तो बस 2-4-5 मिनट के बाद हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये देखिए बोले एक ही सिचुएशन में कितना कितना रूल्स बनता है, बस ये केवल हम आपको पढ़ के समझा रहे हैं, लिखना भी नहीं है आपको क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है सब चीज़। बोले इस आकार को क्या, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये पूरी तरह से क्लोज फिगर हो जाता है, त्रिभुज हो गया। अब बोले ये तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जब होगा तो उसमें क्या होगा, ये तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का होगा, एस्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का होगा, विषमबाहु त्रिभुज बनेगा, एस्केलिन ट्राइंगल हो गया। तीन भुजा में से कोई दो भुजा इक्वल होगा, आप मेंसुरेशन में पढ़े थे एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना जिसमें दो भुजा आपको ऐसा ऐसा दिया हुआ था ऐसे, तो बोले वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है जिसमें त्रिभुज में तीन भुजा में से दो भुजा इक्वल होता है। ये दो भुजा सपोज बराबर लंबाई का है, तीसरा अलग लंबाई का, तो इसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। बोले एग्जामिनर आपसे बोल दिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समान भुजाओं की लंबाई 15 और असमान भुजा की लंबाई 12 है, उसका परिमाप क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या है कि समान
असमान 15 अगर बोल दिया तो 15 प्लस 15 और ये असमान वाला 12 तो 15 प्लस 15 प्लस 12 42 हो गया, ये इसका पेरीमीटर हो गया। बोले समद्विबाहु त्रिभुज आप समझ रहे थे तब ना कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें दो भुजा बराबर लंबाई का तीसरा अर्ग लंबाई का होगा, यही समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और बोले एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा इक्वल लंबाई का हो जाए उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं और इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो बोले त्रिभुज तो एक ही था, तीन परिस्थिति बन गया, विषमबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए बहुत सारा टर्म्स है इसीलिए ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा और उसको पढ़ने में आप दो दिन लगाइएगा, पूरा जो चार पेज लिखा है दो दिन में उसको क्लियर करिएगा, ठीक है। अब इसी में फिर पॉइंट आ जाता है, जब हम यहां से शीर्ष से परपेंडिकुलर सीधा यहां डाल दिए, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट, यही त्रिभुज का शीर्ष लंब बोला जाता है। जब हम किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने के आधार पर परपेंडिकुलर डाल दें तो उसको शीर्ष लंब कहा जाता है, एल्टीट्यूड हो गया शीर्ष लंब, हाइट, इस त्रिभुज की ऊंचाई है ये, इस बेस पर ये हाइट हो गया। अब आइए जब हम एक ट्रायंगल लेते हैं ऐसे और शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हैं, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है, इंग्लिश में मेडियन कहा जाता है, मेडियन पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है, इंग्लिश में मेडियन कहा जाता है। ये सारा पॉइंट जो है ना जहां जहां क्वेश्चन में आएगा हम हिंट में लिखाते जाएंगे आपको, ठीक है, अभी आपको याद करना है। बोले एक त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका या मेडियन कहा जाता है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं की अधिकतम संख्या कैन बी ओनली 3, तीन ही हो सकता है। ये शीर्ष है यहां से ये मिड पॉइंट मिला देंगे, ये शीर्ष है यहां से मिड पॉइंट मिला देंगे ऐसे, तो बोले तीन ही हो सकता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम बोलेंगे 3, ठीक है। अब बोलिए ये तीन माध्यिका जो बनेगा वो इस जगह पर कट कर जाएगा, एक पॉइंट होगा जहां पर कट करेगा वो, तो किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर कट करे उस बिंदु को केंद्रक बोलते हैं, कट को हम लोग एक्चुअल भाषा में इंटरसेक्ट बोलते हैं, हम आपको इजी में समझ में आ जाए इसलिए कट बोलते हैं, कट कोई शब्द नहीं है एक्चुअल में, इंटरसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करे उसी बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं और इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं, उसी को गुरुत्व भी बोला जाता है, ठीक है, गुरुत्व, ग्रेविटी। अब सोचिए कि किसी भी त्रिभुज में ये तीन माध्यिका जो बना वो तीनों माध्यिका अलग अलग लंबाई का भी हो सकता है, ठीक है, और जब ये त्रिभुज समबाहु बन जाता है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों माध्यिका इक्वल लेंथ का हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों माध्यिका इक्वल लंबाई की है तो वो उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे वो त्रिभुज समबाहु ही होगा। एक त्रिभुज है जिसमें तीनों माध्यिका अलग अलग लंबाई का, तीनों माध्यिका अलग अलग लंबाई का है, तो वो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए हम त्रिभुज का पहचान भी, त्रिभुज के टाइप्स का पहचान भी कर सकते हैं किससे, तो उसके माध्यिका से। तीनों माध्यिका बराबर त्रिभुज समबाहु होगा, दो माध्यिका बराबर है ना, एक भी बराबर नहीं, तो उसी प्रकार जो त्रिभुज का नाम है उसके अनुसार हम लोग उसका नामकरण कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अब उसके बाद में इसी में एक पॉइंट आता है कि किसी त्रिभुज, बोले ये सेंट्रॉइड हो गया, अभी हम कुछ लिख नहीं रहे बस आपको वर्बली समझा रहे हैं, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आप शीर्ष से लंब डाल दिए, शीर्ष से लंब डाल दिए, शीर्ष से लंब डाल दिए, तो ये भी यहां पर कट करेगा और ये शीर्ष से जब लंब डाला गया है ना तो इसको लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया लंब केंद्र। आपको इसमें चार नाम होता है, ठीक है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। तो केंद्रक आप देख चुके, ये लंब केंद्र भी देख लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। हम सारा बात लिखाएंगे जब क्वेश्चन में जरूरत होगा। ये हो जाता है ऑर्थो सेंटर, अर्थ क्या निकला,
किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा पर डाला गया लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसको शीर्ष लंब, उसको क्या बोले आपको, लंब केंद्र कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर। अब आइए फिर किसी त्रिभुज में हम ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तीनों भुजा का मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर तो यहां पे कट किया। तो जब आप त्रिभुज में मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालते जाइए तीनों में तो कहीं पर कट करेगा और वो जो कट करेगा उसी को उस त्रिभुज का परिकेंद्र बोला जाता है, इंग्लिश में सरकम सेंटर, परिकेंद्र इंग्लिश में सरकम सेंटर। तो परिकेंद्र जब होता है तो इसका अर्थ यही होता है कि परिकेंद्र अगर इस त्रिभुज का ये बिंदु है तो इसका अर्थ है कि उस बिंदु को आप एक केंद्र मान करके अगर सर्किल बनाते हैं यहां टच करके, ये तीनों को ऐसे टच करता जाएगा, तीनों शीर्ष को टच कर जाएगा, ये परिकेंद्र हो गया, मीनिंग है इस त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र। परिकेंद्र क्यों बोला, इस त्रिभुज के परिवृत्त सरकम सर्किल का केंद्र, तो हो गया परिकेंद्र जो कि आपको आ गया यहां से सरकम, ये सरकम रेडियस भी होता है परिकेंद्र के लिए। चलिए अब इसके बाद में एक पॉइंट और इसका बचा है, किसी त्रिभुज में एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का अर्थ होता है दो बराबर भागों में बांटना, और डिवाइड का अर्थ होता है दो भागों में बांट देना, ठीक है। तो आप किसी चीज को डिवाइड कर दिए, दो भाग में बांट दिए सपोज, लेकिन बाइसेक्ट कर दिए तो वो दो बराबर भागों में बांट दिए, इसीलिए किसी त्रिभुज में तीनों एंगल का बाइसेक्टर, जैसे ये एक्स एक्स हो गया, यहां से बाइसेक्टर ये वाई वाई हो गया, यहां से बाइसेक्टर ये जेड जेड हो गया, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अंतः द्विभाजक, ठीक है, अंतः द्विभाजक इंटरनल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है और ये इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र इन सेंटर। तो आप जो है यहाँ से सेंट्रॉइड के बारे में अभी देखे हैं, ठीक है, उसके बाद में ऑर्थो सेंटर, उसी तरह से ऑर्थो सेंटर, उसके बाद में आपको जो है इन सेंटर, उसके बाद में आपका जो है हम ये सेंटर का बात करें तो सरकम सेंटर, ऐसे सरकम सर्किल हो गया ऐसे। तो बोले इतने तरह से हम लोग जो है ना इन सारे टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, क्या क्या होता है, तो लंब केंद्र, परिकेंद्र, है ना, परिकेंद्र, सरकम सेंटर, यहां पर सरकम सेंटर, ऐसे देखिए सेंट्रॉइड है, सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है। तो इसी को जो है हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं चार टर्म्स में, क्या तो केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है। तो इन सारे को इसी तरीके से पूरे पेज को पढ़ना है, क्योंकि ये जब समझ में आएगा याद रहेगा तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन तो सीधा बोल देगा कि किसी त्रिभुज एबीसी में बिंदु ओ अंतः केंद्र है, बोले त्रिभुज में तो अंदर में आप कहीं बिंदु ले लिए ओ, वो अंतः केंद्र है, तो इससे क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम अंतः केंद्र बोला तो समझ में आ रहा है कि अंतः केंद्र का अर्थ है कि एंगल का बाइसेक्टर तीनों जगह से लेंगे तो वो उसी ओ बिंदु से क्रॉस कर रहा है, ये जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा आपको, यही तरीका है, ठीक है। चलिए तो बहुत सारा रूल्स आपको ट्रायंगल में आता है, बहुत सारा, आप मेंसुरेशन में भी इसका एक रूल दो रूल ऐसा देखे थे, याद करिए आपको वहां बोला गया था, मेंसुरेशन में हम यूज किए हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समानांतर और आधी लंबाई की होती है, तीसरी भुजा की समानांतर और आधी लंबाई की होती है, मीनिंग है जब आप ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को मिला दिए हैं, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये मिला दिए, तो ये जो रेखा बना वो आपको आधी लंबाई की, माने ये एक्स होगा तो ये टू एक्स होगा और ये इसके पैरेलल भी होगा, इसका यूज हम लोग किए थे मेंसुरेशन के किसी क्वेश्चन में, ठीक है। इस प्रकार से अनगिनत रूल होगा, बहुत सारा सिमिलैरिटी का रूल होता है, दो त्रिभुज समरूप कब कब होगा, सर्वांग क्षमता का रूल होता है कंग्रुएंसी का, ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांग क्षम कब कब होगा, तो समरूपता और सर्वांग क्षम, तो समरूपता और सर्वांग क्षम को इंग्लिश में समरूप को सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया और ये आपका कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया। तो समरूप और सर्वांग क्षम में क्या फर्क होता है उसको आप देसी भाषा में यूज करिए, मैथ का भाषा छोड़िए, किताब का लैंग्वेज कम दिनों तक याद रहता है, नहीं जब हम उसको देसी भाषा में यूज करते हैं ना, पढ़ते हैं समझते हैं तो लंबे समय तक याद रह जाता है। तो देखिए अब यहां से हम लोग इसको जो समझना चाह रहे हैं कि k
किस परिस्थिति में हम लोग किस टर्म्स को कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, ये तो बता दिया गया इस हिसाब से कि दो किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा रेखा तीसरी भुजा की समानांतर और आधी लंबाई की होती है, मीनिंग उसका पैरेलल भी होगा और वो इसके आधी लंबाई का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए, और जब हम उस पॉइंट को बिल्कुल याद रखेंगे तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे पूरे ज्योमेट्री को, और बिल्कुल 80-90% क्वेश्चन आप सभी से बनवाएंगे, ठीक है, कुछ छात्र 100% भी बना पाएंगे। तो देखिए, अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं, बोले मेंस्ट्रुएशन में आप ये भी यूज किए हुए हैं कि अगर आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप यहां से सरकम सर्किल ड्रॉ कर दिए जिसको परिवृत्त बोलते हैं, और ये आपको अंदर से एक वृत्त हो गया, इंस्क्राइब्ड सर्किल बोलते हैं, अंतवृत्त, अंतवृत्त इंस्क्राइब्ड सर्किल, और ये आपका परिवृत्त जो सरकम सर्किल। तो आप पढ़े हुए हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज, जब ये भुजा बराबर होगा सपोज ऐसे, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के रेडियस में 1-2 का रेशियो होता है, रेडियस में 1-2 का रेशियो होता है ऐसे। और अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त में आपको 1-2 का रेशियो होगा उसके रेडियस में, तो निश्चित रूप से उसके एरिया में क्या रेशियो होगा, तो इसी 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4, तो उसके एरिया में 1-4 का रेशियो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है जो उस 4 पेज में लिखा हुआ है, जब तक याद नहीं रखेंगे प्रॉब्लम होगा। बोले इसको मेंस्ट्रुएशन में यूज किए हुए थे, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसी प्रकार से ये तो आपको एक ट्रायंगल के बारे में कुछ हल्का सा हिंट अभी किया गया था, ऐसे बहुत सारा टर्म्स जो है ना सर्किल में आपको देखना पड़ेगा ऐसे। बोले यहां पे एक सेंटर माना जाए जिसको हिंदी में केंद्र बोलते हैं, और यहां से ये जो लेंथ होगा उसको रेडियस बोलते हैं, और इसी लेंथ से एक ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए। आप सभी छात्र जो है ना, ऐसा हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो है ना कुछ रहता था इंस्ट्रूमेंट्स, उसके द्वारा इस प्रकार से हम लोग इसको डील किए हुए हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से लेकर कैसे हम लोग ये डील करते थे, ये पूरा एक सर्किल बन जाता था, ये बराबर लंबाई चारों साइड एक राउंड लगा दीजिए, सर्किल बन जाता है। इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं आर, इसको केंद्र बोलते हैं सेंटर, इसको केंद्र बोलते हैं सेंटर, और ये पूरी लंबाई को सरकमफेरेंस बोलते हैं परिधि, पूरी लंबाई को सरकमफेरेंस परिधि। ये टर्म्स हम समझा रहे हैं, बाद में जहां जहां यूज होगा वहां तो फिर से बोला ही जाएगा, लेकिन हम आपको दिखाते जा रहे हैं, आप सभी आदमी जान भी रहे हैं, ठीक है, एक बार माइंड में पहले ये बैठ जाए। अब हम यहां से जो है ना इस परिधि के 2 बिंदु को मिला दिए। शब्द सुनिए, किसी वृत्त में परिधि के सर्कमफेरेंस के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये इसको क्या बोलते हैं, जीवा, इंग्लिश में CHORD, ये सब चीज लिखा रहेगा आप देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। और किसी वृत्त में परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली तिरछी रेखा, ये जो है एक आर्क ऐसे, तो इसको आर्क बोलते हैं हिंदी में, चाप बोलते हैं, आर्क हिंदी में चाप। तो बोले आप 2 बिंदु को मिलाते हैं परिधि पर, सीधी रेखा जो बना वो जीवा और तिरछी रेखा जो बना वो चाप आर्क, इसीलिए ये चाप आर्क ये जीवा कोड। अब सोचिए कि किसी परिधि में 2 बिंदु को मिला देंगे सीधी रेखा से तो जीवा होगा, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, आपसे क्वेश्चन कर दिया कि किसी वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी हो सकती है, लिखेगा 1, 2, 3 अनगिनत, उत्तर क्या होगा, अनगिनत, क्योंकि आप यहां पर जो है ना ये आपका ऐसा करके कितना भी रेखा खींच सकते हैं ऐसा, ठीक है, अनगिनत हो जाएगा, इसलिए एक वृत्त में जीवाओं की संख्या अधिकतम इनफिनाइट, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा। इसी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, बोले एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मीनिंग है, बोले ये भी जीवा है लेकिन इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, और यहां जो हम खींच देंगे ना सपोज ऐसे, ये डायमीटर है व्यास, बोले केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास बोला जाता है, इसलिए ये व्यास से बड़ा लंबाई एक सर्किल में नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है कि किसी वृत्त में सबसे बड़ा लेंथ उसका व्यास होता है, और वो व्यास भी क्या है, एक जीवा है, क्योंकि व्यास क्या है, गौर से देखिए परिधि के 2 बिंदु को आप मिलाए हुए हैं तो व्यास है, लेकिन जब वो केंद्र से गुजर गया तो वो ये तो जीवा हुआ, और जब केंद्र से गुजर गया तो वो व्यास हो गया। तो बोले आप परिधि के 2 बिंदु को मिला दिए तो जीवा कोड, लेकिन वो केंद्र से गुजर गया तो वही तो जीवा ये आपका व्यास होता है, जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि किसी वृत्त में परिधि के 2 बिंदु को मिलाने पर बनी जीवा
है ना, अगर केंद्र से गुजरता हो तो वो जीवा जो है आपका वृत्त का व्यास भी कहलाता है। इसीलिए सब एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। इसलिए एक वृत्त में व्यास की लंबाई जो है वही उस वृत्त के सबसे बड़े जीवा की लंबाई होता है। सो सिंपल। इसी प्रकार से हम आपको ये पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि चार पेज में आप एक घंटे में नहीं पढ़िएगा, बिल्कुल इजीली एक एक पॉइंट को, दो दिन हम बोले तीन दिन भी लग जाए आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक दिन में दो तीन घंटा पढ़ के उसको हटा दीजिए और उसी बात को रोल ओवर कराइए माइंड में ताकि वो बात समझ में आ जाए। सोचिए क्या क्या पॉइंट पढ़े थे, क्या क्या बोला गया था, रिकॉल करिए। जहाँ दिक्कत फिर लगे, भूल गए, तो फिर एक बार पलट के देख लीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग आ गए। उसके बाद देखिए, ये एक सर्किल है और इसी सर्किल में हम यहां से ऐसे मिला दे तो आप सभी छात्रों को अब तो इजीली दिमाग में आए, ये मिलाए मन में आ गया कि ये तो जीवा खींच दिया गया, ये सारे छात्र के मन में आ गया ये तो जीवा है। तो बोले किसे वृत्त में जब आप एक जीवा खींच देंगे तो क्या दिख रहा है, बोलिए। वो वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग बड़ा है और एक भाग छोटा है। जब हम बीचों बीच खींचेंगे ना व्यास, व्यास वाली जीवा ऐसे, वो दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी व्यास से अलग जब भी खींचेंगे तो क्या होगा, वृत्त दो अलग अलग भागों में बटेगा। इसका अर्थ क्या निकला कि किसी वृत्त में एक जीवा खींचे जाने पर वृत्त दो भागों में बट जाता है, तो जो बड़ा भाग दिख रहा है उसको दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं, मेजर सेजमेंट। अभी हम कुछ लिख नहीं रहे हैं टर्म्स में, है ना, आप सुन लीजिए, मेजर सेजमेंट दीर्घ वृत्त खंड, और ये छोटा वाला जो बन गया वो लघु वृत्तखंड कहलाता है हिंदी में, उसको माइनर सेजमेंट बोलते हैं। मीनिंग है एक जीवा क्या किया, एक वृत्त को मेजर सेजमेंट में बांट दिया, माइनर सेजमेंट में बांट दिया। तो एक जीवा का रोल क्या हुआ, एक वृत्त को दो अलग अलग साइज में बांट दिया। तो बड़े वाले को हम लोग मेजर सेजमेंट बोले और छोटे वाले को माइनर सेजमेंट बोले। चलिए अब यहां से जब बहुत सारा नियम होता है, ठीक है, हम कुछ हिंट केवल आपको दिखा रहे हैं। बोले ये आपका जीवा तो था ही, आज यहां पर एक कोण ऐसे बना देते हैं, ये एक्स है, यहां पे कोण ऐसे बना देते हैं तो ये भी एक्स ही होगा। ये सब साबित किया हुआ है और ये थ्योरम के अंतर्गत आ जाता है। तो बोले क्या है, किसी वृत्त में जीवा, किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं कॉमन कोड के द्वारा, शब्द सुनेंगे, किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा, वृत्त के एक ही खंड में, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, हम ये एक एक खंड, एक ही खंड छोड़ देंगे ना उत्तर गलत हो जाएगा, कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण बराबर होता है। अर्थ क्या निकला, किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में परिधि पर बना कोण समान होता है। बोले हम यहां एक्स लगा दिए और ये एक्स जो है ना इससे बनाते ऐसे और ये हम यहां पर ऐसे दिखा दें तो ये एक्स, तो ये एक्स बोलना गलत हो जाएगा, इसलिए परिधि पर। हम अगर इसी देखिए, ये जीवा है, इसके द्वारा परिधि पर कोण बना पूरे जीवा को लेते हुए परिधि पर, और उसी जीवा को लेकर यहां पर ऐसे कोण बन गया, ये भी परिधि पर बना उसी जीवा के द्वारा, लेकिन क्या बना, वृत्त के विपरीत खंड में बन गया, इसलिए वो एक्स होगा। तो ये एक्स कभी भी नॉर्मली कभी भी नहीं होता है, एक कंडीशन में हो सकता है ऐसे, ये नॉर्मली कभी भी नहीं होता है। अर्थ क्या निकला, एक ही खंड में होना चाहिए परिधि पर, तभी बनता है। अब देखिए यहां एक नियम फिर दूसरा क्या आता है, ऐसे किसी वृत्त में ऐसे उभयनिष्ठ चाप भी बोल सकते हैं, जीवा भी बोल सकते हैं, ये यहां पे सेंटर है। बोले क्या हुआ, किसी वृत्त में इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण बना दिए और उसी जीवा के द्वारा आपको परिधि पर कोण बना दिए, तो यहां भी अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, वो तो बराबर का केस था, और यहां x होगा तो ये 2x होगा। इसका क्या लैंग्वेज बनेगा वो पढ़ते हैं। देखिए किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, स्लो में बोल भी दे रहे हैं, आप उसको पढ़ेंगे और हमारे इस लैंग्वेज को मैच कराएंगे तो आपको याद ईजिली हो जाएगा, उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए,
अब इसी सिचुएशन में जब हम यहां पे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं ऐसे, परिधि के चार बिंदु को मिला दीजिए कैसे भी ऐसे, एक वृत्त में परिधि के चार बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति, ये जो आकृति बन गया को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में, चक्रीय चतुर्भुज इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बोलिए चक्रीय चतुर्भुज हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो किसी वृत्त में परिधि के चार बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में और क्या नियम है तो उसको भी पढ़ेंगे, उसमें आपको लिखा हुआ है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का और रूल यही है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मीनिंग है ये 60 तो ये 120 ही होगा, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री, और चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों भी आमने सामने का कोण है, इसीलिए अगर हम इसको 150 लिखेंगे तो यहां पर 30 लिखना पड़ेगा, मीनिंग है किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये बहुत सारा पॉइंट्स इसी प्रकार से याद रखना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि इतना पॉइंट्स याद कैसे रहेगा, तो याद नहीं करना है, दो तीन बार पढ़ेंगे समझते हुए खुद याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। चलिए अब देखिए, इसी प्रकार से बहुत सारा रूल्स आता है और भी, तो उतना तो इस जगह अभी हम नहीं बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसे करके पूछा था ट्रायंगल में, ये ऐसे बोला ये इंटरनल बायसेक्टर है, मीनिंग है यहां जो भी कोण था उसको दो बराबर भागों में बांटा, यहां भी जो कोण था उसको दो बराबर भागों में बांट दिया। तो यहां अगर इसको नाम हम ऐसे ABC देते हैं और यहां पर O लिखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब किसी त्रिभुज में दो कोणों का अंतः समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलता हो तो ये जो कोण बनेगा एंगल कौन सा BOC, ये 90 डिग्री से ऑलवेज ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और कितना ज्यादा तो एंगल जो A है उसी का आधा, मीनिंग है इसके लिए एक फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन पूछा आपको, यही आपको 5-6 साल के अंदर का बात बता रहा है से। तो एंगल ये बड़ा बने क्या बोले, किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का है ना ये जो समद्विभाजक है इस बिंदु पर मिला तो ये एंगल BOC जो है 90 से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा तो इस एंगल का आधा। इसी का एक दूसरा पहलू होता है जिसमें यहां साइन माइनस का आ जाएगा, कैसे देखिए उस पर भी क्वेश्चन पूछा हम, उसका फिगर आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये त्रिभुज हमारा ABC था, इसको बढ़ा दिया इसको भी बढ़ा दिया, और ये जो बाह्य कोण बना एक्सटीरियर वो इंटीरियर एंगल होता है और ये एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ये जो एक्सटीरियर बन गया ना ऐसे ये बढ़ाने पर इस एक्सटीरियर का समद्विभाजक, इस एक्सटीरियर का समद्विभाजक यहां मिला ये वो। उस कंडीशन में ये जो एंगल BOC बनेगा वो 90 से ऑलवेज लेस देन होगा, तो माइनस का साइन आपको देना पड़ेगा, और कितना लेस देन तो इसी एंगल A का माने BSC का आधा होगा। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन आप दोनों परिस्थिति को समझिए, और एक में 90 प्लस A का आधा और एक में 90 माइनस A का आधा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पेज में लास्ट में पर दिया हुआ चौथे पेज पर ये रूल है, आप देखेंगे ऐसा, तो ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम यूजफुल उसी रूल्स को मानेंगे जिस पर क्वेश्चन बार बार पूछता हो, ठीक है। तो ये ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो इतने सारे बातों को हम लोग देखे हैं, बहुत सारा बात आपको और अभी देखना पड़ेगा, तो जहां जहां वो सिचुएशन आएगा उसी में हम लोग दिखाएंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर बढ़ेंगे। शुरू में आपके असाइनमेंट में बहुत सारा क्वेश्चन ट्रायंगल पर दिया है, हमारे लगातार के क्लास में जो है फिर बिल्कुल हल्का क्वेश्चन भी हम शामिल करते हैं, और वो हमारा अनुभव है कि हल्के क्वेश्चन में आप अगर मिस ना करें, क्योंकि मिस कर जाते हैं तो वहां पर मेजर लॉस होता है, हम भारी क्वेश्चन में मिस कर जाएं तो मेजर लॉस नहीं होता, लेकिन हल्के क्वेश्चन में मिस कर जाएं तो मेजर लॉस होता है। इसलिए यहां पर याद रखेंगे कि हम ऐसे सिचुएशन में हल्के हल्के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, तो फिर वही बात होगा, हम चीप लेवल का क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, मीडियम लेवल का भी है, और फिर अपर लेवल का, और ये जब फिनिश होगा तो उससे भी अपर लेवल का आपको जो SSC मेंस में केवल काम आएगा वो उसका भी हम दो क्लास आपको देंगे, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के। बहुत रूल्स है, हम तो एक ग्लिम्स केवल दिखाए ना कि इस तरीके से आपको समझना है और पढ़ना है, वो तरीका केवल बताया गया, अभी हम कोई रूल आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। देखिए तो
अभी यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना लगातार कुछ सर्किल्स पर दिख रहा है, जिस पर भी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ क्वेश्चन सर्किल्स का दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल्स का, उसके बाद में आपको मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है और लेवल बढ़ जाएगा पीछे के क्वेश्चन में, आप देखेंगे। तो देखिए, और क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, ये भी ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चन में फिगर खुद क्वेश्चन देगा, तो फिगर क्वेश्चन दे दे तो थोड़ा आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको समझ के फिगर नहीं बनाना है। कभी कभार क्या होता है ना कि उसके लैंग्वेज से फिगर ही नहीं बनते रहता है एग्जैक्टली जो वो बोलना चाह रहा है उसके अनुसार, कभी कभार ऐसा होता है, टाइम लग जाता है। इसलिए जिस क्वेश्चन में फिगर आपको देगा तो समझिए कि आपका कुछ काम आसान कर दिया वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, कुछ काम आसान हो गया। और फिगर नहीं देता है तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। देखिए, तो इसलिए फिगर जो भी दिया है हम उसी को यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर। तो क्या लिखा है, ऐसे। और देखिए, फिगर जो हम लोग बनाएंगे ना, ये किसी भी प्रकार का बनेगा। हम लोगों को ऐसा नहीं देखना है ना कि वो सर्किल ही बने, क्योंकि हम मैन्युअली हाथ से जो है ना ऐसे सर्किल नहीं बना सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट आएगा ही। क्योंकि सर्किल का कंसेप्ट है कि केंद्र से परिधि का एक एक बिंदु बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, जो क्वाइट इम्पॉसिबल होगा जब हम ऐसे बनाते हैं। इसलिए हम लोग जल्दी से फिगर बनाएंगे, ये अंडा बन जाए तो भी सही होगा, हम सर्किल ही मानेंगे, ठीक है। तो इसी कंडीशन में ऐसे करके आपको दिखाया जा रहा है ये। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये तो फिगर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक वृत्त, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, 88 क्वेश्चन इसमें पढ़ना, और आगे फिर हम लोग दो क्लास और पढ़ेंगे, ठीक है। यदि एक वृत्त की जीवा ए बी उसकी त्रिज्या के बराबर है, बोले ये जीवा बोल दिया ए बी, अर्थ क्या निकला, आप तो पढ़े हुए हैं कि ए बी जीवा है, मीन्स कोड है, सी एच ओ आर डी। अब हम यहां लिख के भी थोड़ा दिखाते हैं, जीवा को इंग्लिश में कोड बोलते हैं। परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा कहा जाता है। चलिए, उसकी त्रिज्या के बराबर, तो ये जीवा क्या है, वृत्त का जो रेडियस होगा उसके बराबर है। बोले त्रिज्या जो बोला गया ना उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, आप सभी को मालूम है, मेंसुरेशन में भी बहुत बार बोला गया है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं उनको तो हिंदी शब्द में दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र को इंग्लिश शब्द में दिक्कत होगा। तो इसके लिए भी हम इंग्लिश वर्सन का एक अलग से बैच ला चुके हैं, और उसी बैच में भी आप जो है पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप जो है इंक्वायरी कर लेंगे। तो जिनको ऐसा दिक्कत लगे, अदरवाइज जिनको दिक्कत नहीं है वो इसी बैच में अपना जो पढ़ते आ रहे हैं पढ़ेंगे, और इसी मंडे से आपका जो है सब चीज़ मोस्ट लाइकली क्लियर हो जाएगा। जो हम आपको खुद बोलेंगे कि हमारे कैरियर एडुकेशन ऐप को कैसे आप स्टार्ट करेंगे, उससे कैसे जुड़ेंगे, ताकि बार बार हमको कुछ भी नहीं बोलना पड़े। जो सिस्टम होगा वो सारा उसी ऐप पर रहेगा, और उसी ऐप से हम लोग जो है क्लास करते चले जाएंगे। तो उसमें हम अपने छात्रों को जोड़ेंगे, उसके लिए एक सिस्टम आपको बताया जाएगा, जो हमारे ही द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, और वो हम समझा देंगे, उसके अनुसार आप हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए, ठीक है। अब बोला त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनने वाला कोण, तो जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनने वाला कोण क्या होगा, जहां वो वृत्त का केंद्र है। बोले आज ये एंगल आपसे डिमांड कर रहा है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो परिधि पर जो कोण बना है ये फिगर में दिखा रहा है, तो जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनने वाला कोण क्या होगा जहां वृत्त का केंद्र ओ है। तो देखिए कितना सिंपली ये बनेगा, और हमारा कॉपी कैसे बनेगा उस बात को भी इसी से समझ लेना है। तो देखिए, बस यहां से ध्यान देना है, कैसा ध्यान देना है, तो आप देखते होंगे पैरोट को, तोता, जब पैरोट को उसका रखवाला कुछ भी सिखाना चाहता है तो आप जैसे बोलेंगे ना, और तोता को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है इंडिया में, तो मैक्सिमम जगह पर राम है ना। तो आप जो भी सिखाइए, तो जो आप सिखाते हैं ना, तो आप जब बोलेंगे ना, जैसे आप 10 बार बोलिए धीरे धीरे से, तो आप देखेंगे आप बोलेंगे धीरे धीरे, और वो बहुत ही केयरफुली शांत होकर के पूरा आपको दिखेगा कि वो आपके बात को सुनकर समझना चाह रहा है, याद करना चाह रहा है। बस इसका अर्थ क्या निकला कि आप भी हमारे बात को उसी तोता की तरह सुनिए, तो ज्योमेट्री आसान हो जाएगा, और ज्योमेट्री आसान होगा तो 5 क्वेश्चन अगर देता है तो आपका वो 5 क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका भाग्य जो है ना, उसका भाग्योदय जो बोलते हैं, उसका उदय हो जाएगा, मीनिंग है आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। भाग्योदय क्या है, फ्यूचर ब्राइट हो जाना।
और जब आप हमसे जुड़े हैं तो आपका फ्यूचर अगर डार्क रहे तो ये मेरा दुर्भाग्य है, और जब आप हमसे जुड़े हैं और आपका फ्यूचर ब्राइट बने तो ये मेरा सौभाग्य है। आज पूरे भारतवर्ष में बहुत सारा ऑनलाइन क्लासेस चलता है, ठीक है, सब चीज़ है, और हर टीचर का अपना कैलिबर है, हर टीचर का अपना नॉलेज है, हर टीचर का अपना डेप्थ है, हर टीचर को समझाने का अपना आर्ट है। और ये जो क्लास होता है ना, ये वही सबसे मेन चीज़ होता है जिसमें कि आप छात्रों को ईजिली कन्विंस करिए, वो टीचर ही एक्चुअल में टीचर होते हैं। टीचर कितना विद्वान है, क्या है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम छात्र तक अपने भाषा को अगर पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं जो समझाना चाह रहे हैं, तो वही टीचर सबसे अच्छा होता है, और वही टीचर छात्र के भविष्य का सही निर्माण कर सकता है। इसीलिए आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे छात्र कहीं भी कुछ खोल देते हैं ऐसा किसी भी टीचर का, तो इसके लिए क्या है ना कि आप उसके पीछे मत पड़िए, ठीक है। आप किसी एक चैनल का पैट बन जाइए, एक दो वीडियो ऐसे देखें आपको जहां पर सही लगा ना कि नहीं ये टीचर रियली हमारे करियर को बना सकता है, बिल्कुल पढ़ाई करा रहा है, न कि सिर्फ जो है ना यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आप जो है आप तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग वीडियो ये नहीं डाल रहे हैं, ये तो पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जो है ना असाइनमेंट से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। जब वीडियो पढ़ता है तो उसमें आसानी होता है, उसमें एक ग्लिम्स दिखा दिया जाता है कि ये चैप्टर है, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम उसमें 25-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में उसको समेट सकते हैं 50 क्वेश्चन में, तो पूरा चैप्टर लास्ट हो जाता है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए इसको पढ़ने का तरीका अलग है, और हम जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं आप केवल इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते जाइए, इसका कॉपी बनाते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो जब क्वेश्चन बोला कि ओ वृत्त का केंद्र है, ध्यान दीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, तो अगर ओ वृत्त का केंद्र है तो स्पष्ट है कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक जाइए तो त्रिज्या है, रेडियस। बोले ये रेडियस, ये भी रेडियस, और क्वेश्चन बोला ये जीवा तो है, इस जीवा की लंबाई इसी रेडियस के इक्वल है। इसका अर्थ क्या निकला, OA equals to OB, ये तो रेडियस है, और equals to AB, AB रेडियस नहीं है, है जीबा, वो इस R से अलग होता, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो उसी R के बराबर है, तो ये चीज हो गया, तो हम यहां लिख दिए। ये क्या है, सभी क्वेश्चन ये बात आपसे बोला है। उसके बाद देखिए, अगर किसी त्रिभुज में, आज हम बोले हैं आपसे, अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर लंबाई का हो तो वो आपको समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसीलिए ये पहला पॉइंट, और दूसरा में ओ ए बी जो है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज है इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और बोले तीसरा पॉइंट, अगर आपका ये समबाहु त्रिभुज होगा तो निश्चित रूप से क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यहां पर लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का इच एंगल, प्रत्येक कोण इच एंगल 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है तो मीनिंग है आपको यहां 60, यहां 60 और यहां भी 60, और जब 60 ये सभी एंगल आपका निकल गया है तो उसके बाद में फिर आपको यहां क्या बोल रहा है उस चीज को देखिए। फिर यहां से क्वेश्चन बोल रहा है ये एंगल निकालने के लिए, तो इसके लिए एक रूल अभी लिखाया भी जाएगा, पहले हम बना लेते हैं चौथा में ऐसे। तो बोले उसके अनुसार जब 60 ये हो गया तो अब ये जो एंगल बनेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, यहां देखिए एंगल ए सी बी यही पूछ रहा है। ये ए सी बी जो होगा वो इस एंगल का जस्ट आधा होगा, तो आपको 60 का हाफ करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पहले लिखते हैं एंगल ए ओ बी, और तब यहां से हाफ एंगल ए ओ बी 60, और ये कैंसिल कर देंगे तो 30 डिग्री जो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये जो रूल लगा इसके लिए आपको जो ना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम आपको लिखाएंगे, तो पहले ये लिख लीजिए चारों पॉइंट्स जल्दी उतारेंगे, इसमें हम टाइम आपको देंगे उतारिए, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो नहीं है बल्कि ये पूरा क्लास है, इसलिए टाइम इसमें आपको दिया जाएगा, जल्दी से नोट करिए। चलिए, आप इसको नोट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। एक सलाह इसमें और भी दिया जा रहा है कि
आप जो बनाएंगे उसमें ये बहुत जरूरी होगा, ठीक है। जैसे एक फिगर ऐसा है ना जिसमें ये इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन दिया है ऐसे ये नोट कर दिए, जो फिगर आपका दिया हुआ था ना यहाँ से ऐसे, ये यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन फिगर ये, और एक फिगर बनेगा ऐसा, हर में आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, इसको दिमाग में बैठाएंगे। एक ऐसा जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन फिगर लिख दीजिएगा नीचे में, और एक ऐसा जो सॉल्यूशन फिगर होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। रिविजन ईजी होगा क्योंकि बोलिए क्वेश्चन फिगर ये है और आपका ये, यहां से जब आप सॉल्यूशन फिगर में आएंगे तो समझ में आएगा कि ये सब जो है ना क्वेश्चन में था नहीं, ये हम लोग खुद सोच समझ कर किसी पॉइंट के अंतर्गत निकाले हैं और तब पुट किए हैं, ये फायदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस जगह पर हम लोग ये काम करेंगे। चलिए ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये जो लिखा हुआ है उत्तर तो ला दिए, अब नोट लिखिए चौथा पॉइंट के लिए ऐसा। तो यहाँ नोट लिखेंगे, ये चौथा पॉइंट का ऐसे लिख दीजिए नोट में, ये तो नोट लिखा हुआ है, चौथा में लिखिए किसी वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोर्ड, उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोर्ड के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो बोले केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगुना होता है, तो जब परिधि वाला निकालना होगा तो केंद्र पर बने कोण का आधा, इसलिए हम 60 का आधा करके वहां लिखे थे। तो चलिए ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फिर यहां पर आपको जो है ना एक क्वेश्चन फिगर, आप दो दो फिगर बनाएंगे है ना, क्वेश्चन फिगर ऐसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप में से बहुत इसको बोलते हैं बोरिंग लेसन है, ठीक है। इन हम आपसे क्या शब्द बोले, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरेस्टिंग लेसन वही होता है ना जिसमें दिमाग लगे, है ना। हम नियम जानते हैं, अब कौन सा नियम लगेगा, दिमाग पर प्रेशर डालिए कि उतने नियम में से यहाँ यही लगेगा, तो वैसे लेसन को ही इंटरेस्टिंग बोला जाता है। चले देखिए, बोले गेम जब खेलते हैं पजल गेम इंटरेस्टिंग होता है, क्यों, क्योंकि दिमाग लगता है। जहाँ दिमाग नहीं लगता, बोले लूडो खेलते हैं, तो लूडो में कोई बहुत दिमाग आप नहीं लगा सकते हैं, लूडो भाग्य पर आधारित ही खेल माना जा सकता है, क्योंकि आप जो टॉस करते हैं उसमें सिक्स वगैरह आता है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए क्या वो भाग्य होता है, इसलिए उसमें आप बहुत ट्रिक यूज नहीं। चेस क्या है, दिमाग का खेल है, उसमें आप दिमाग लगा करके अपोजिशन को घेरते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, मजबूर करते हैं, दिमाग लगता है, इंटरेस्टिंग गेम है, लूडो बोरिंग है। चलिए बोला दी गई आकृति में एक वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज एबीडी खींचा गया। बोले एबीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहला पॉइंट क्या बोला, एबीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीडी समबाहु त्रिभुज है, ये तो क्वेश्चन ही बोल दिया है ये। और बोले अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका सभी कोण 60 डिग्री होगा, मीनिंग हम सीधे एंगल ए एंगल बी एंगल सी लिख देते हैं, चूंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, वो सभी कितने कितने का होगा, 60 60 का होगा। आप जो ये फिलअप करेंगे ये सॉल्यूशन फिगर में करेंगे तो 60 60 60 हो गया। उसके बाद देखिए बोला तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। बोले ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, क्वेश्चन चक्रीय बोल दिया, अगर वो नहीं भी बोलता तो आप अपने नॉलेज से समझते हैं, हम आज पॉइंट समझाए हैं कि किसी वृत्त में परिधि के चार बिंदु को टच करके जो चतुर्भुज बनेगा वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो आपको यहां पर बोल रहा है ए बी सी डी क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज है, हम इंग्लिश में लिख देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ये ए बी सी डी क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब बोला इसमें बी सी डी का माप क्या होगा, बी सी डी ये वाला पूछ रहा है, सो सिंपल।
बोले किसी वृत्त में परिधि के चार बिंदु को टच करके जो फिगर बनेगा वो चक्रीय चतुर्भुज तो होगा ही, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम शब्द में लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो बोले यहां पर अर्थ क्या निकला कि आपको ये दो जानकारी, तो बोले ये तो बहुत चीप जानकारी है कि एबीसी समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण 60 होगा, ये तो बहुत चीप जानकारी है, खैर चलिए जो भी है तो ये जानकारी। और एक ये कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो वो जानकारी जब रहेगा तो आप लिखेंगे एंगल बी सी डी और प्लस में एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? जैसे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का आमने सामने का कोण बन गया है, तो इसी को 180 बोलेंगे। आपसे एंगल बी सी डी तो निकालने के लिए बोला है और ये 60 डिग्री हम लोगों के इस नियम से निकल चुका है और यहाँ पर बराबर में 180 डिग्री। और इसी के बाद जब आप एंगल बी सी डी लेते हैं 180 में 60 घटेगा, आपके प्रश्न का उत्तर 120 डिग्री आ जाएगा। बोलिए इतने अच्छे तरीके से हम नोट लिखाते हुए सारे क्वेश्चन को डील कराएंगे, मीनिंग है आपको दोबारा अपने से कुछ फ्रेम भी नहीं करना है, यही हिंटिंग का पॉइंट्स होगा, मीनिंग है हिंट्स होगा, और ये हिंट्स आपको जो है हर क्वेश्चन में लिखा रहेगा ताकि जब दोबारा भी पढ़ेंगे। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन फिगर आप जरूर अलग बनाएंगे और सॉल्यूशन फिगर अलग बनाएंगे और लिखेंगे उसके नीचे में ये जैसे है तो आप अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा कि ये हमारा सॉल्यूशन फिगर है और एक क्वेश्चन फिगर जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जितना चीज लिखा रहेगा क्वेश्चन में आप उतना ही उसमें लिखेंगे, सॉल्यूशन फिगर में जो जो भरना है आप भरेंगे बाद में, ठीक है। बोले ये तो कॉपी में लिखा दिया गया, आप इसके हिसाब से बना भी लिए, यही एग्जामिनेशन हॉल में जब बनाएंगे तो आपको ये लिखना थोड़े है, बहुत समय बचेगा। क्यों? बोला ये एक समबाहु त्रिभुज मन में आ जाएगा 60 60 60 और ये चक्रीय चतुर्भुज मन में आ जाएगा, ये जोड़कर 180 तो ये 60 है तो 120 उत्तर हो गया, 3 सेकंड 4 सेकंड उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना आप बहुत जल्दी बना, हाँ एसएससी मेंस लेवल में जो क्वेश्चन देगा ये आपसे खुद सच्चाई को तो बोलना पड़ेगा, वहां पर बिल्कुल बनाना पड़ेगा, दिमाग भी लगेगा, उलझेंगे भी क्योंकि उसका लेवल वैसा होता है, काफी लेवल का क्वेश्चन देता है एसएससी सीजीएल के मेंस में, ठीक है। तो जैसा मोमेंट होगा हम लोग वैसा काम करेंगे। अब हम इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम समझते हैं आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि बिल्कुल इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हमारा ज्योमेट्री आसान हो जाएगा और ज्योमेट्री एक मेजर यूजफुल लेसन है आपके एसएससी रेलवे और सीडीएस के लिए। चलिए क्वेश्चन 3। फिर एक आकृति, आप दो दो फिगर बनाया करेंगे, ये क्वेश्चन फिगर जितना टर्म्स जो भी बोलेगा उतना ही लिखिएगा ऐसे, ए बी सी डी, यहां से ये बड़ा ये जो सिंबल देते हैं ना एक एक दिए तो बराबर का अर्थ होता है, यहां दो दो लाइन भी देंगे बराबर का अर्थ है, दोनों जगह सेम इंडेक्स होना चाहिए तो उसको बराबर भुजा बोला जाता है, समान लंबाई का उसका पहचान होता है, यहां 25। तो देखिए क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। बोले एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बोल देता है तो आपके लिए इजी है, नहीं भी बोले तो आपको दिमाग जाना पड़ेगा कि एबीसीडी परिधि के चार बिंदु को टच कर दिया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही वो। चलिए जिसमें बी सी बराबर सी डी, देख रहे क्वेश्चन दे रहा है पहला पॉइंट में बी सी इक्वल्स टू सी डी, ये दिया ही ऐसे लाइन तो बी सी सी डी, और बी सी सी डी जब भी बराबर होगा तो यहां पर आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, बी सी डी क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और बोले समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और समद्विबाहु त्रिभुज जब भी होगा तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो देखिए यहां उस पॉइंट को लिख करके तब आएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा, बोले समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजा समान होगा तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, समान होता है ये।
बोले किसी समदेबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, तो इसका अर्थ है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो इसके सामने 25 तो इसके सामने भी ये 25, आप उसको सॉल्यूशन फिगर में ये लिखेंगे, ये 25, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल बी डी सी इक्वल्स टू में एंगल कौन सा सी बी डी, और सी बी डी का मान तो क्वेश्चन खुद दिया था 25 डिग्री, तो चलिए हम लोगों का बी डी सी आ गया, देख सकते हैं बी डी सी 25 डिग्री। अब आइए डिमांड उसका क्या है, एंगल बी ए डी का मान ये पूछ रहा है। बोले फिर क्या होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो चौथा पॉइंट यहाँ क्या बन रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बोले किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होता है, तो अब इससे हम लोग जो है ना आगे बढ़ जाएंगे और उस पांचवा पॉइंट में हम लोगों को ये आ जाएगा एंगल बी सी डी बराबर। तो बोले अब बी सी डी के लिए हम सीधे 180 में 25 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख देते हैं, तो ये 50 घटेगा तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए पाँचवा पॉइंट भी हमारा आ चुका है जिससे आप जो है ये निकाल चुके हैं ये वाला, तो कितना 25 25 50, तो ये 130, ये यहां तक तो आ गया। और बोले जब ये 130 होगा तो फिर छठा पॉइंट में, अब तो सिंपल बात है, किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए एंगल बी ए डी और प्लस में एंगल बी सी डी ये इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये क्या पॉइंट है, किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए इससे जब आप बी ए डी और प्लस में बी सी डी अभी अभी 130 डिग्री निकाले हैं बराबर 180 डिग्री लिखते हैं, तो इससे आपको एंगल बी ए डी का मान जो है वो घटाकर 50 डिग्री आ गया। तो ये आप देख लीजिए, यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। तो ये हम लोग आ चुके हैं एंगल बी ए डी आपको आ जाता है 50 डिग्री। तो चलिए ये उत्तर तो बिल्कुल सही आ चुका है, पहले आप इसको नोट करिए और इसका पॉइंट हम एक आपको अभी लिखाएंगे भी, जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। इसीलिए जो यूजफुल पॉइंट्स होगा जो हम यूज करेंगे पार्टिकुलर क्वेश्चन में, उन सारे के लिए आपको जो है नोट यहाँ पर इसी में शामिल रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अचानक दो महीने बाद भी कॉपी पलटेंगे तो एक एक चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा और वो इजीली आपको दिख जाएगा जो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल आपको जो है इसमें हम लिखाते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए ये रूल आपका है क्या जो हम यहाँ यूज किए हैं, ये वाला यूज किया है ना, ये दोनों जोड़कर 180, ये छठा का एक रूल है। तो छठा पॉइंट है ना, उसमें आप लिखिए लैंग्वेज में किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहां पर आज के क्लास को बिल्कुल फुल स्टॉप किया जा रहा है, हम लोग इसी प्रकार से ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, आप सारे छात्र इसका फेयर कर लीजिए, ज्योमेट्री में अच्छा खासा क्लास पड़ेगा, हम एक एक क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, ये पहले भी बोला गया अंत में भी हम आपसे बोल रहे हैं, आपका सहयोग क्या चाहिए, तो जो पॉइंट्स चार पेज में लिखा है वो समझते हुए याद करना है, नहीं कि भरभली आप हनुमान चालीसा की तरह पढ़ दिए और याद हो गया वैसा नहीं, दोहा की तरह पढ़ दिए याद हो गया वैसा नहीं, पोएम की तरह पढ़ दिए याद हो गया वैसा नहीं, समझते हुए याद खुद हो जाना चाहिए, याद करना भी नहीं है। हम पढ़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तीनों कोण को देखेंगे, अलग अलग सिचुएशन से वाच करेंगे कि हाँ यहाँ 20 यहाँ 30 यहाँ ऐसा, ये करके ये दिमाग में बैठाना है, अपने याद हो जाएगा, बिल्कुल कम प्रेशर में लंबे दिनों तक याद रहेगा, हम समझ के याद करेंगे ये बोला जा रहा है। और ये एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा ये पूरा आपको अच्छा करना है, वैसे छात्र जो एसएससी के लिए खासकर तैयारी कर रहे हैं सेकंड में रेलवे के लिए, ठीक है, और सीडीएस के भी जो छात्र होंगे उनको इतना ये बहुत अच्छा करना पड़ेगा, पीओ वाले छात्र को बैंक क्लर्क वाले छात्र को इसका कोई टेंशन नहीं है, हम आपको स्ट्रांग बनाएंगे इसमें एडवांस मैथ्स में।
और बिल्कुल बारीकी से इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप फिर से हमसे जो है व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे कि यहाँ पर ये कैसे आ गया, उसका भी उत्तर हम आपको वहाँ देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको ज्योमेट्री का पहला क्लास हुआ है, फिर आगे हम लोग अल्टरनेट डे में इसका दूसरा क्लास लेंगे, फिर अल्टरनेट में तीसरा लेंगे, इस प्रकार से बढ़ेंगे। और बहुत जल्दी है ना, अब आपका क्लास जो है वो इसी मंडे से मोस्ट लाइकली बिल्कुल आप रेडी रहेंगे, और उसी कैरियर एडुकेशन ऐप पर होगा, जिससे कि अब बाहर के छात्र इसको नहीं देख पाएंगे। जो हमारे पुराने छात्र हैं, जो हमारे यहाँ एडमिशन नया में अभी लिए हैं इस सेशन में, वो छात्र पढ़ेंगे इसमें, और वैसे छात्र जो अभी भी एडमिशन लेना चाहेंगे, वो सारे छात्र जो है एडमिशन का जो प्रोसेस था वही रहेगा, लेकिन वो सभी इसी पर आ जाएंगे, उनको यूट्यूब से कोई मतलब अभी नहीं रहेगा। यूट्यूब पे बीच बीच में हम आपको जो है कुछ भी डालेंगे, वो हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, ठीक है, लेकिन आप सारे छात्र को पढ़ना पड़ेगा इसी में, ठीक है। और यही बहुत अच्छा है कि हम एक अपना ऐप बनवा लिए, और उस ऐप में सिर्फ हम और आप उसमें जुड़ेंगे, और जो भी छात्र जुड़ेंगे वो जेन्युइन छात्र जुड़ेंगे। अभी यूट्यूब पर क्या हो रहा है, भोज किसी का, ठीक है, और उसमें जो भोजन कर रहा है वो कोई भी शामिल हो जाता है। जैसे होता है ना, एक पार्टी है जिसमें हम 100 आदमी को इनवाइट किए, तो वो 100 नहीं है, है ना, उस 100 के अलावा भी बहुत सारा उसमें आ गया। ये यूट्यूब चैनल का डिफिनेशन है। लेकिन जब हम लोग अपने ऐप में पढ़ेंगे ना, तो जिसको हमसे मतलब है, जिसको हमसे पढ़ना है, सिर्फ वही छात्र उसको देखेगा और पढ़ेगा, ये उसका बेनिफिट होता है। मिलेगा, आप बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे हमसे जुड़ते थे ना, वैसे ही जुड़ेंगे। जो पेड छात्र हैं हमारे यहाँ, किसी भी तरह से पहले बाद में नया, वो सारा ही पढ़ पाएंगे, नया छात्र उसमें नहीं पढ़ेंगे। नया को जो भी देखना पड़ेगा वो यूट्यूब है। यूट्यूब क्या है, एक इंस्टीट्यूशन का, एक टीचर का ट्रेलर है, वहाँ से ट्रेलर है, ट्रेलर अच्छा लगता है तो छात्र जो है फिर आपको जो है उस ऐप के जरिए जुड़ जाते हैं, बस वो ट्रेलर है। तो खैर चलिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल सही पढ़ाई मिलना चाहिए, सही चीज़ मिलना चाहिए, ताकि आपका जॉब हो जाए। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि 2020 तो बिल्कुल बेकार हो गया, लेकिन 2021 का जो भी वैकेंसीज रहेगा आप सारे छात्र उसी में पास कर जाइए, ज़्यादा वेट न करना पड़े, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आपका मेहनत बिल्कुल, अभी भी आपसे एक बार फिर बोलते हैं कि नहीं, हमारे इस मेहनत को आप जो है ना समझिए। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि हम आपके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम अपने ही लिए, लेकिन आपके लिए भी हम कर रहे हैं एट द सेम टाइम। पसीना बहा करके आपको पढ़ाया जाता है, ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का हमारे क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हमारे पास जितना सिस्टम अभी है उसके अंतर्गत, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का एक प्रचलन है, एक समय आएगा हमको लगाना रिक्वायरमेंट लगेगा तो हम वो भी लगाएंगे, लेकिन इसमें क्लास का व्यूज बहुत अच्छा आता है, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसा देखने में ऐसा, तो उसको लैंड स्लाइड मोड पर जब रखते हैं ना मोबाइल को, जैसे ये उल्टा कर दीजिए ऐसे, तो लैंड स्लाइड पर जब रखते हैं तो फिर आपको बिल्कुल दिखता भी है, और साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन चलिए, डिजिटल बोर्ड का एक समय जैसा आता है, जैसे मोबाइल आ गया आपको एंड्रॉयड वाला, तो एंड्रॉयड ही यूज़ करना एक सही बात माना भी जाता है, जो पुराना फ़ोन था उसका यूज़ अब कम हो चुका है। तो उसी प्रकार से समय चेंज किया, लॉकडाउन में मजबूरी हो गया तो ये डिजिटल आ गया, जब फिर ऐसा हो जाएगा ऑफलाइन तो फिर आपको जो है डिजिटल बोर्ड का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग के लिए ही ज़्यादा अच्छा बोर्ड है, छोटे क्लास के लिए ज़्यादा अच्छा बोर्ड है। तो खैर, वो मेरा प्रॉब्लम है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको भी लगा लेंगे, नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो भी पढ़े अच्छा पढ़ाई करें। बोलिए, हमारा पोशाक बहुत अच्छा है और इंसानियत हमारा ख़राब है तो बेकार है। हमारा पोशाक बहुत ख़राब है लेकिन इंसानियत हमें बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है। इसीलिए क्या है कि बोर्ड मेरा जो भी होगा, हम डिजिटल रखें ना रखें, लेकिन हमारा पढ़ाई अच्छा हो, ये आपको भाई समारा चला जाना चाहिए आता है, और इसका जो है प्रिंट जो है, ये लिखावट जो है, ये दिखना चाहिए। थोड़ा कस से भी दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन दिख जाना चाहिए तो क्या दिक्कत है। इसीलिए हम लोग जैसे परिवेश में है उसी के अनुसार पढ़ने तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, वहाँ क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना हो, SSC मेंस लेवल तक का क्वेश्चन होना चाहिए, जो होगा आपसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।